प्रेमचंद की कालांजयी रचना बड़े घर की बेटी भाग तीन श्रीकंठ सिंह शनिवार को कराया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। दो दिन तक आनंदी को भवन में रही, ना कुछ खाया पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमाकुल संध्या समय घर आई और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। यह 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़े। मैके के सामने उन लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी। यह हजरा हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में से ज्वाला दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाओ तो मैं मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासगिरी करने का भी सौर नहीं मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी मौके पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी, यदि हाथ से ना रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ ना कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं, बोले, यहां तक हो गया है इस छोकरे का साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्वंडिता के कारण पलक तक नहीं चपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभाह ना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बात करने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना कितना भी सहज लगता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक नहीं दो कह ले वहां तक तो मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव कुछ जवाब ना दे सके।
श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चुको उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्का चीलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभाव की शुभकामनाएं आज पूरी तरह होती दिखाई देती है। कोई हुक्का पानी पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ ना सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उस पर क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों में नहीं ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वह घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा हो तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना है तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस मेरा यह अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था, उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान ना करता था, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसको मुड़का तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते, मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ढोडे जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया, तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था, 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानी हुई, वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर
दो चार बातें कह देता, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देता तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह ना समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे, अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर कभी मुंह न दिखाऊंगा, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया।